बहुत सारे कैंडिडेट इजराइल में केयरगिवर की जॉब की तलाश कर रहे थे, तो फाइनली NSDC की तरफ से केयरगिवर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है और टर्म एंड कंडीशन क्या है। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे NSDC इंटरनेशनल। NSDC इंटरनेशनल सर्च करने के बाद नीचे आएंगे स्लाइड करके और नीचे देखेंगे NSDC jobx.com, ये यहाँ पे दिख रहा है NSDC jobx.com, इसको अब ओपन करेंगे। अभी हमारा फाइल ओपन हो रहा है, NSDC का जॉब पोर्टल अब ओपन हो चुका है। अब नीचे आएंगे, नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जॉब्स बाई इंडस्ट्री, जॉब्स बाई कंट्री। तो ना ही इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब सर्च करना है और ना ही कंट्री के हिसाब से जॉब करना है, हमें इंटरनेशनल जॉब सर्च करना है। फिर भी अगर आप चाहें तो इंडस्ट्री और कंट्री के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं कि ये एक फिल्टर है। तो नीचे ऑप्शन आएगा, देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है इंटरनेशनल जॉब और जॉब्स इन इंडिया। अगर इंटरनेशनल जॉब में भी हमें सभी देशों के लिए चाहिए तो इसको हम क्लिक करते हैं ऊपर वाले ऑप्शन को, इंटरनेशनल जॉब। ये हमारा ओपन हो चुका है और ओपन करने के बाद से NSDC के तरफ से ये पोस्ट किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पोस्टेड टुडे। तो ये मॉरिशस के लिए पोस्ट हुआ है और ये मिग बिल्डर के लिए पोस्ट हुआ है, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स मांग रहा है। लेकिन हमें इजराइल के लिए जॉब देखना है कि इजराइल के लिए कोई जॉब आया है कि नहीं आया है। तो अब हम नीचे ऐसे ही स्लाइड करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर इजराइल के लिए है। तो इजराइल के लिए यहाँ पे अब दिख गया है होम बेस्ड केयर गिवर जॉब, यानी देखभालकर्ता के लिए जॉब आया हुआ है और ये पोस्ट 18 दिन पहले का किया गया है। इजराइल जॉब लोकेशन है इजराइल और क्वालिफिकेशन है नर्सिंग या हेल्थ केयर से संबंधित। अब हम इसको व्यू करेंगे, यानी इस पर क्लिक करके अब ओपन करेंगे, देखते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है। अब ये ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद से ये अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट अप्लाई बटन भी दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में जानेंगे। ये पोस्ट 12 जुलाई 2024 को किया गया था और इसको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड करके देखते हैं क्या है, नीचे देखते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में। एक PDF डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग PDF डाउनलोड करके और विस्तार से पढ़ करके देखेंगे कि है क्या चीज़। तो अब डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर से इस PDF को पढ़ करके दिखा रहा हूँ। अब ये फाइल ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, डिमांड डिटेल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले इसमें दिखा रहा है नंबर्स ऑफ डिमांड, मतलब कितनी वैकेंसी है, तो 5000 है। होम बेस्ड केयर गिवर, यानी घर के देखभाल के लिए या फिर घर में जो भी बुजुर्ग हैं या फिर बीमार व्यक्ति हैं उनके देखभाल के लिए कुल 5000 सीटें हैं इजराइल के लिए। और इसको मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 90% की ज़रूरत है और मेल 10% की ज़रूरत है। एज लिमिट 25 से 45 वर्ष है और उनकी हाइट 1.5 मीटर से अधिक होना चाहिए और जबकि वजन भी 45 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए। कम से कम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए। इसके लिए क्या एक्सपीरियंस, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा की ज़रूरत ये है कि कम से कम किसी भी अथोराइज इंस्टीट्यूट से या फिर ट्रेनिंग सेंटर से कम 990 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और सेकेंड में इन्होंने एक और कंडीशन दे रखा है कि GDA, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, इन सभी में से कोई एक होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 वर्ष और ग्रास सैलरी 5880.02 न्यू इजरायली शेकेल, यानी कि अगर USD में बात करें, डॉलर में बात करें तो 1573 डॉलर, अगर इंडियन मनी में बात करें तो 1,31,818 रुपये पर मंथ हो रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस बाय एम्प्लायर, वर्किंग डे 6 डे इन वीक, एकोमोडेशन बाय एम्प्लायर, फूड बाय एम्प्लायर और ड्यूटी का घंटा
कोई फिक्स नहीं होता है, आपका ड्यूटी जिनके घर पे लगेगा उनके ही घर रहना पड़ेगा और उनके ही घर ड्यूटी भी करना पड़ेगा। लीव बेनिफिट 9 डे हिज रिलीजियस नेशनल हॉलीडे आर फॉर इजरायली रिलीजियस नेशनल हॉलीडे प्लस 16 डेज ईयरली वैकेशन एंड अदर टर्म्स एज पर सेक्शन। मतलब इजराइल का धार्मिक और नेशनल त्यौहार को देखें तो साल में 9 दिन की छुट्टी है और साल में 16 दिन का ईयरली वैकेशन यानी सालाना छुट्टी है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 ईयर्स का है, इसे रिन्यूअल भी किया जा सकता है। PCC रिक्वायर्ड है और मेडिकल फिटनेस इजरायली वीजा के अनुसार होना चाहिए और इंटरव्यू का टाइप है ऑनलाइन और वीडियो रिकॉर्डेड। आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और साथ में कुछ मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो भी देना पड़ेगा आपको काम करते हुए। ज्वाइनिंग के लिए टिकट आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। अदर टर्म्स ये है कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य इजराइल में न रहा हो या फिर आप खुद न रहे हो और फिजिकली और मेंटली हेल्थी हो। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको ये जानना जरूरी है कि केयर गिवर का काम क्या होता है। तो जो भी बीमार व्यक्ति हैं या फिर बूढ़े व्यक्ति हैं उनका देखभाल करना है, उनका ड्रेसिंग बाथिंग मतलब नहाना और साफ सफाई, टॉयलेट का सफाई और डायपर चेंज करना, खाना बनाना, खाना खिलाना, क्लीनिंग करना, दवाई देना टाइम टाइम से, उनको चेकअप भी कराना, इस तरीके का हर एक चीज़ आपको खुद करना है। सामान भी खरीदना है, लॉन्ड्री का भी काम करना है, सब आपको करना पड़ेगा। ये डिमांड कॉपी का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर अब एक पॉइंट बैक जा करके देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन पर सीधे क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई बटन 2 जगह दिया गया है, एक ऊपर जिसे मैं आपको अभी दिखा रहा था और एक नीचे जहाँ पे PDF डाउनलोड करने का जगह है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर अप्लाई बटन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। हालांकि मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया है तो ये सक्सेस दिखा रहा है, ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। मैंने ऑलरेडी पहले से ही अप्लाई कर दिया है तो मेरा अब दोबारा नहीं हो सकता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अप्लाई करने के लिए कौन सी डिटेल मांग रहा था। तो अप्लाई करने के लिए आपका बेसिक डिटेल डालना पड़ता है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा आपका पता, और उसके बाद से अप्लाई बटन पर क्लिक करते ही डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अप्लाई कर दिए हैं तो केवल अप्लाई करने के भरोसे ही न रहें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि NHDC वाले आपको ईमेल या फिर कॉल करके बताएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको NHDC के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और कॉल करने के बाद से आपको सीधे NHDC के ऑफिस दिल्ली या फिर वाराणसी में जाना है। अगर आपने पहले से ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं किया है तो डायरेक्ट आप फिजिकली जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे बात करके ही जाएं। टोटल 5000 सीटें हैं, अभी 5000 सीटें टोटल फुलफिल नहीं हुई है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले ज़रूर बात कर लें। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कहीं आपको जा करके लौटना ना पड़े। NHDC का हेल्पलाइन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में लाइक भी जरूर कर दीजिए ताकि इसकी रीच बढ़े। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए से जुड़े रहें। धन्यवाद।